नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी सेलेंडिनाइटिस और हार्ड ट्यूमर ऑन सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर है। तो यह क्वेश्चन मेरे से एक व्यूअर ने पूछा था, उनका जो इमेज है वो चल रही है, उनका नाम भी उसमें दिया हुआ है। तो सब जो सेलेंडिनाइटिस की समस्या यानी या तो मुंह में साफ सफाई ना रखने की वजह से हो सकती है, या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से मुंह में सूजन या फिर दर्द की समस्या हो सकती है, या फिर साफ सफाई का ध्यान ना रखने के चलते यानी मुंह की साफ सफाई के चलते भी यह बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर स्पष्ट कारण ना होने के कारण भी सेलेंडिनाइटिस की समस्या और उसमें ट्यूमर बनने की जो संभावना है वो हो सकती है। ट्यूमर यानी बॉडी के वैसे किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर, पेट के अंदर और अन्य पार्ट्स के अंदर भी ट्यूमर अपने आप निकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि नार्कोटिक्स या फिर निकोटिन और बेंजोपायरिन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले को ही जो है ट्यूमर की समस्या हो। तो इनका क्वेश्चन था कि हार्ड ट्यूमर ऑन सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर जो बना हुआ है उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट बताएं, तो बिना ऑपरेशन में किस तरीके का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, शायद इनका क्वेश्चन यही था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेंडिनाइटिस के ऊपर। तो यह समस्या वायरस, बैक्टीरिया या फिर सफाई का ध्यान न रखने के चलते, या फिर इसका स्पष्ट कारण भी नहीं है उस कंडीशन में भी यह बीमारी हो सकती है, और उस यानी जो गले के पास या फिर गले के अंदर जो है ट्यूमर बन सकता है। तो कोई स्पष्ट वजह भी इसकी नहीं है। लक्षण की बात करें तो एक या एक से अधिक लार ग्रंथि में वृद्धि होने के कारण, या फिर आसपास जो है सूजन या फिर दर्द का होना, या फिर त्वचा का लाल पड़ना, या फिर जो लार की मात्रा है वो उसमें कमी आना, और भोजन करते समय दर्द या फिर मुंह का सूखना, इस तरीके की समस्या, त्वचा का लाल पड़ना और गला और जो गर्दन है उस हिस्से पर सूजन का होना, तो इसके ये लक्षण है। तो सब ये हो गए सेलेंडिनाइटिस की समस्या। तो जरूरी नहीं है कि साफ सफाई करें उन्हीं लोगों को, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गुटखा और बेंजोपायरिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद कई इस तरीके के लोग हैं जो यानी मुंह का साफ सफाई तो रखते हैं पर पेट में जो खराबी यानी अपच की वजह से भी अंदर से जो है मुंह में से स्मेल और यानी जो बदबू आती है, जैसे पायरिया जैसे उनके लक्षण उनको दिखाई देते हैं, तो पायरिया में से स्मेल आती है, यानी जिन लोगों को पायरिया की समस्या है, या फिर पेट की खराबी की वजह से भोजन न पचने के चलते भी आपके मुंह में से बदबू या स्मेल आ सकती है, या फिर फीमेल की बात करें तो इस तरीके की फीमेल जिनने गर्भ निरोधक यानी सॉरी गर्भ गिराने वाली मीसोप्रिल किट का इस्तेमाल किया है और उनके जो बच्चे के अवशेष जो है वो रह गए हैं, तो उस कंडीशन में भी जो बच्चा सड़ रहा है यानी मांस का टुकड़ा, तो वो मुंह के पेट से होकर जो जो नलियां गई हैं तो वो मुंह के जरिए भी स्मेल आ सकती है, तो मुंह में दर्द और स्मेल की समस्या हो सकती है पेट के साथ साथ, या फिर बच्चा जिन लोग जिस फीमेल का मर गया है उस कंडीशन में भी दर्द की समस्या हो सकती है। अब हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट न करते हुए किस तरीके का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होती है। तो यह ग्लैंड ठोड़ी के पास यानी ये ठोड़ी है तो इसके पास यहाँ पर होती है। तो हमारी जो लार ग्रंथियां तीन तरीके की होती हैं, पहली जो है पैरोटिड ग्रेल सॉरी पहला पैरोटिड ग्लैंड जो कि यानी कान के पास यानी ये ग्लैंड होती है इस तरफ होगी वो। दूसरी जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये ठोड़ी के पास यानी इस तरफ होगी। तीसरी जो ग्लैंड है उसका नाम है जो जीव के नीचे होगी, तो इसका नाम अभी मुझको याद नहीं आ रहा है पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो तीन तरीके की ग्लैंड होती है। फिर ने पूछा था सब मैंडिबुलर ग्लैंड में अगर ट्यूमर की समस्या हो जाए यानी इस जगह पर, तो हमारे पास किस तरीके की दवा होनी चाहिए। तो इस तरीके के मरीज को ट्रीटमेंट करते समय हमारे पास जैसे हैवी एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, यानी बिना ऑपरेशन में किए अगर ये सूख जाए और मुंह के अंदर सूजन और दर्द खत्म हो जाए तो किस तरीके की दवा हमें चाहिए। तो डीएनएस हमें ड्रिप लेनी होगी, इंट्राकेट और टैब और ड्रिप सेट हमें ये चाहिए। ये लगाने के बाद उसके अंदर डीएनएस के अंदर यानी 500 ml या फिर 1000 ml में एमबीआई और कैल्शियम जो सेंडोज इंजेक्शन आता है वो आपको डाल देना है। ड्रिप 5 मिनट चलने के बाद में सीजिट 1 ग्राम इंजेक्शन 1 इम्पुल
आई बी स्लो इसके अंदर सेप्ट जेडाइम इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया होगा। तो यह इंजेक्शन आई वी वेरी स्लो आपको लगाना है। इससे क्या होगा, जो ट्यूमर यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड के आपके पास बना हुआ है तो वो सॉरी धीरे धीरे सूखने लगेगा। पेट में अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जरूर होगा किसी भी तरीके का, अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या फिर जो वायरस के चलते भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हर्पीज है तो हर्पीज के लिए वो अलग दवा दी जाएंगी। तो इस हर्पीज से इस यानी जिन जो दवाई मैं बता रहा हूँ उससे कॉन्टेक्ट नहीं है, वो हर्पीज की दवा अलग आती है। अगर किसी को हर्पीज के जरिए अगर ये समस्या सीलेंडेनाइटिस की समस्या बनी हुई है उस कंडीशन में, तो डीएनएस आपको लगाना है, एमबीआई और कैल्शियम सैंडविच इंजेक्शन डालना है। डालने के बाद सीजेड 1 ग्राम इंजेक्शन आईवी स्लो आपको 1 इंपोल देना है। पेंटाटेक या फिर पेंटा 40 इंजेक्शन आपको लेना है। यह इंजेक्शन उसी समय आईवी वेरी स्लो 1 इंपोल आपको देना है, जिससे कि पेट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन है और या फिर ना हो तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं, या पेट में गैस या फिर इस तरीके की चीजें ना बने, क्योंकि मरीज को लेटे रहना पड़ेगा 2 दिन। इस तरीके की ट्रीटमेंट आप अपने क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में दे रहे हैं उस कंडीशन में, और पेन होने की कंडीशन में अगर उसको यहाँ पर सूजन है गले के पास या मुंह के अंदर, और तो हमें जरूरत पड़ने पर ट्रामाडोल या फिर ट्रामाजेन नाम से इंजेक्शन आता है इसके जो दर्द में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम ट्रामाडोल इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे। निकासिन इंजेक्शन 500 आईवी स्लो देंगे, यानी ये ट्रीटमेंट जो है 15 साल से लेकर या फिर 16 साल से लेकर किसी भी आयु वर्ग के लोग को हम लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग थोड़ा तेजी से चलाते हैं तो हम 12 साल या 10 साल के बच्चे को भी इस तरीके के इंजेक्शन दे सकते हैं। तीसरा जो अगला जो इंजेक्शन है उसका नाम है मीकासिन हो गया, डेक्सा इंजेक्शन 1 ml लेकर हमें आईवी देना है, जिससे कि जो बाकी के पहले जो इंजेक्शन हमने दिए हैं उसके यानी सही तरीके से वो वर्क करे, और जो मरीज को भी किसी भी तरीके की समस्या ना हो, उसको एपिलेप्सी जैसे लक्षण उसको दिखाई ना दे, आंखों की पुतलियां और हाथ पैर उसके ना हटे उस कंडीशन में। दूसरा टेबलेट की बात करें तो हम कैगोलिन के ऊपर मैंने कम से कम 3 साल पहले वीडियो बनाया था, तो 0.5 और 0.25 mg में ये टेबलेट होगी। तो कैगोलिन के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कैवरगोलाइन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया होगा, तो इस कंडीशन में हम इस क्या कहते हैं टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस टेबलेट का जो इस्तेमाल है ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद जो उस समय इस टेबलेट को देते हैं, या फिर मेमेलियन ग्लैंड में जब मिल्क स्राव हो रहा है तो मिल्क स्राव को रोकने के लिए हम फीमेल को इस तरीके की टेबलेट देते हैं, तो दोनों कंडीशन में देते हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य उद्देश्यों में भी हम इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट जरूर अवश्य इस टेबलेट के द्वारा मिलेगा। तो ये टेबलेट हमको 5 दिन या 4 दिन आपको 0.5 mg की सुबह शाम आपको देनी है। टेबलेट का नाम है कैपगोलिन। अगली जो टेबलेट है नोवामैक्स सीवी 625 टेबलेट, तो ये दिन में 3 बार आपको इस टेबलेट को देना है, क्योंकि सीलेंडेनाइटिस के साथ साथ आपको हार्ड ट्यूमर ये बोल रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के पास में, तो उसको सुखाने के लिए हमें हैवी एंटीबायोटिक जो है वो देनी पड़ेगी। तो नोवामैक्स सीवी 625 जो टेबलेट है वो आपको कम से कम दिन में 3 बार 5 दिन आपको इस टेबलेट को देना है। कैपगोलिन टेबलेट को दिन में 2 बार देना है 5 दिन, और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट है वो भी आपको दिन में 3 बार इस तरीके के मरीज को या फिर दिन में 2 बार भी आप दे सकते हो। डोज देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, और अगर उसकी बॉडी में झेलने की क्षमता नहीं है तो आप डोज थोड़ा कम कर सकते हैं, दिन में 2 बार इस टेबलेट को यानी नोवामैक्स सीवी कैपगोलिन और एजिथ्रोमाइसिन को दे सकते हो, चाहे हाफ टेबलेट कर सकते हो। और ऑफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल में इंग्रेडिएंट्स में जो भी नाम से टेबलेट आए, चाहे जेनेरिक चाहे आप ब्रांडेड टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस टेबलेट का भी हमें सुबह शाम कम से कम 5 दिन इस टेबलेट को देना है। बीकासूल जो कैप्सूल है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेरामाइसिन जो कैप्सूल है 250 मेरे ख्याल से 400 mg में आता है, तो इस कैप्सूल को भी हम 250 जितने भी mg में आता हो
तो टेरामाइसिन कैप्सूल भी हम सुबह शाम 5 दिन इस्तेमाल करेंगे। और मेट्रोजेल जो टेबलेट आती है तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 mg की ये टेबलेट होगी, तो इस टेबलेट को भी हमें सुबह शाम देना है 5 दिन तक। और यूरिस पास टेबलेट हमें वीडी देनी होगी, कम से कम 5 दिन आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करें, जिससे कि जिस तरीके की हम दवाइयां खा रहे हैं वो यूरिन के यानी आपको किसी भी तरीके की जलन ना हो। अगर पेट में दवाइयों की वजह से हीट या फिर जलन पड़ती है तो आप दूसरी टेबलेट जो बढ़ा सकते हैं पेट में जलन के लिए, जैसे ऐसी लोग टेबलेट आती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा अलजल ए सिरप का भी हम इस्तेमाल करेंगे, यानी इस टेबलेट के जरिए आपको यानी किसी भी तरीके का जैसे हैवी डोज है, हैवी डोज की वजह से अल्सर या फिर इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, तो साथ में अल्सर ना बने और ब्लीडिंग यानी एनस या यूरिन के रास्ते ना जाए, तो अलजल ए सिरप आपको कम से कम 10 दिन इस सिरप को इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे यानी जो इंजेक्शन है आपको 12-12 घंटे के अंतर से आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं कम से कम 3 दिन तक। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने एक ड्रिप लगाई और आपने इंजेक्शन लगा दिया यानी ये पूरा ट्रीटमेंट दे दिया इंजेक्शन का, फिर 12 घंटे बाद आप फिर पेशेंट को बुलाइए, फिर इंजेक्शन लगाइए और फिर ऐसा रेगुलर आपको 12-12 घंटे के अंदर से 3 दिन आपको ऐसा करना होगा। आप देखेंगे कि सी मैंडुलाइटिस की समस्या और हार्ड ट्यूमर ऑन सब मैंडिबुलर ग्लैंड के पास में वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। और कैपगोलिन जो टेबलेट है और नोमैक्स सीवी जो टेबलेट है 625 की, ये मेन टेबलेट है, साथ में एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट ये देनी ही देनी है। साथ में हमें पेट में इन्फेक्शन को भी खत्म करना है। और अगर हर्पीज की वजह से आपको ये समस्या हुई है, हर्पीज की वजह से ट्यूमर नहीं बन यानी होगा, अगर सूजन या फिर अन्य किसी वजह से हुआ है, चाहे चोट के चलते हुआ हो, चाहे मधुमक्खी ने काटा हो, खट्टी चीज खाने की वजह से भी कई बार जो गाल के पास यानी इस हिस्से में सूजन आ जाती है, तो ये तो दवाइयों से छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो जाएगा, पर हार्ड ट्यूमर सब मैंडिबुलर ग्लैंड में अगर है तो इस तरीके का ट्रीटमेंट देना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।